छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज चौक यशोधरा नगर में जाहिर व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस व्याख्यान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत व परम पूज्य महंत भागीरथी जी महाराज उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य व शिवकालीन मर्दानी खेलों का प्रदर्शन दिखाया गया, साथ ही भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। कल्याण के काम किए और उनको ऐसे खड़ा किया कि शिवाजी महाराज ने जो प्रण उठाया उसको पूरा करने के लिए सब जीवन भर जुटे रहे। राज्याभिषेक के बाद एक बार शिवाजी महाराज दक्षिण में गए, एक एक राज्य जीतते जीतते गोलकोंडा में आए, गोलकोंडा के सुल्तान से दोस्ती की, क्योंकि वो सुल्तान बाहर से आया नहीं था, जो यही का पूर्व में हिंदू था मुसलमान बना था। तो स्वदेशी राजा चलेगा लेकिन किसी पर अत्याचार नहीं करना, ऐसा वो करता था। उसके मंत्रिमंडल में दो मुख्य जो मंत्री थे वो हिंदू थे, इसलिए दोनों तरफ अच्छा चलता था। उससे उन्होंने दोस्ती की और मिलने जब गए तब सुल्तान ने पूछा कि शिवाजी महाराज आपके पास हाथी है क्या, क्योंकि हाथी दिख नहीं रहा था कोई। शिवाजी महाराज ने कहा हमारे पास हाथी है, बोले कहाँ है, ये खड़े जो 500 साथी उनके साथ थे उनके तरफ उंगली दिखाई, ये हमारे हाथी है। तो सुल्तान हंसा, बोले ये हाथी हमारे असली हाथी से लड़ेंगे क्या, बोले हाँ लड़ेंगे, हो जाए कल। दूसरे दिन एक बड़ा हाथी, सबसे जो खुखार हाथी था, मैदान में छोड़ा सुल्तान ने, और शिवाजी महाराज का एक साथी उतरा, येसाजी कंक ऐसा उसका नाम था, और येसाजी कंक ने मैदान में हाथी से लड़ाई करके हाथी को मार दिया। शिवाजी महाराज को पहले से तय नहीं किया था कौन लड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं की थी कुछ। सुल्तान ने ऐसा पूछा, शिवाजी महाराज ने जवाब दिया, उन्होंने हाथी लाया तो उन्होंने एक को उतार दिया मैदान में, वो भागा नहीं, वो तलवार लेकर डटा, लड़ा और विजयी हो गया। क्यों? ये देखते सुल्तान ने उसको शाबाश की दी और अपने गली की मोतियों की माला उसके गले में डालने गए तो उसने रोका नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैं करता हूं जान पर, अपने जान को हाथ में लेकर लड़ा हूं, बहुत साहस किया है, वो मेरे कीर्ति के लिए नहीं, मेरे वैभव के लिए नहीं है, स्वराज्य के लिए। आपको देना है तो हमारे शिवाजी महाराज को दो, नहीं तो हमारे स्वराज के खजाने में जमा करो। ऐसे लोग थे, अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए सब कुछ। हम सब लोग ऐसा हो सकते हैं, ये लगता है बड़ा कठिन लेकिन कठिन नहीं है, एक एक कदम आगे बढ़ो छोटा छोटा, जैसे शिवाजी महाराज ने छोटी छोटी बातें करके सबको आगे बढ़ाया। बहुत बड़ा भाषण नहीं दिया, खेल खेल में देशभक्ति सिखाई, खेल खेल में हिम्मत भरी, खेल खेल में आत्मविश्वास दिया, और यही लोग बड़ी बड़ी सेनाओं से जूझे और स्वराज्य का संरक्षण उन्होंने किया। शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी, संभाजी महाराज के जाने के बाद भी 30 साल तक सतत लड़ते रहे, अंत में पूर्ण विजयी हो गए। ऐसा करते करते वो जमा रहा आया जब दिल्ली के बादशाह की सुरक्षा भी मराठा सरदार कर दे। ये शक्ति कहां से आई? उन छोटी छोटी बातों में से आई, छोटी छोटी बातें ठीक करना और दोस्ती से करना, ऐसा उन्होंने किया, स्वयं का विचार नहीं किया, लोगों को केवल कहा नहीं लड़ो, खुद भी लड़े उनके साथ, जो अपने पास था उसका उपयोग अच्छा करके कैसे यशस्वी होना, कभी भी अत्याचार नहीं किया, दुश्मनों पर अत्याचार नहीं किया, दोस्तों की तो छोड़ ही दो। सभी महिलाओं को मातृस्वरूपा मान के उस नजर से देखते थे। शिवाजी महाराज के दुश्मन भी शिवाजी महाराज के चारित्र के बारे में बहुत गौरव के उद्गार बोलते, शुद्ध चारित्र वाले। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ
अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।